सीबीएसई बोर्ड के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के लखनऊ पब्लिक कॉलेज में मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि सीबीएसई बोर्ड के वो छात्र यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने इस परीक्षा में उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं। कुछ बच्चे हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शौर्य कुमार मौर्य। शौर्य जी, कितनी मेहनत की थी, कितने अंक आपने लाए हैं और क्या कहना चाहेंगे स्कूल के टीचर्स के प्रति? मेरी 96.6% है और स्कूल ने तो मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि कोविड टाइम में पढ़ना, जब सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी तब पढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमें टीचर्स ने हमेशा मोटिवेट किया और अपने पर्सनल नंबर्स देके हमें डाउट पूछने के लिए इनकरेज किया, जिसकी वजह से बहुत हेल्प हुई। टीचर्स की आपने बात की, अगर देखा जाए तो कितना मुश्किल था कोरोना काल में बोर्ड की तैयारी करना? मुश्किल तो था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि टीचर्स ने हमेशा मोटिवेट किया और हमेशा एक रेगुलर क्लासेस होती थी हमारी बिना ब्रेक के, जिसकी वजह से हमें बहुत हेल्प हुई और हमेशा टीचर्स हमें डाउट पूछने के लिए इनकरेज करते थे और अपना पर्सनल व्हाट्सएप दे के हम कभी भी उनसे डाउट पूछ सकते थे आफ्टर क्लास ऑल्सो। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई थी, क्या उससे कुछ दिक्कत हुई या चीज़ें स्मूथली चलती रहीं? दिक्कत तो थी, क्योंकि हम वन टू वन इंटरेक्शन का तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन हमें पर्सनल डाउट सॉल्विंग मिली थी स्कूल से कि जब भी हो हमें कोई भी क्लासेस के ड्यूरिंग कोई भी डाउट आता है तो हमेशा टीचर्स आंसर करते थे, और अगर क्लासेस के बाद का अगर कोई डाउट आता है तो हम उन्हें पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते थे, जिसकी वजह से बहुत हेल्प हुई। देखा जाए तो 12वीं आपने पास कर ली है, अब आगे का क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से अपनी आगे की हायर स्टडीज़ पर काम करेंगे और आगे क्या कुछ एम लेकर आप चलेंगे? मैं सबसे पहले IIT से BTech करना चाहता हूँ, फिर मैं आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर छात्रों के जो भविष्य है उनको बेहतर रखने की जो जिम्मेदारी थी स्कूल की वो लगभग पूरी हो चुकी है, और देखा जाए तो कई छात्र हैं जो उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं, और बड़ी बात यह है कि CBSE में इस बार भी जो है वो लड़कियों ने बाजी जो है मारी है। कुछ छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर सुहानी मिश्रा नाम है। सुहानी जी, कौन सी क्लास में हैं और कितने अंक आपके आए हैं? सर मैं 12th क्लास में हूँ PCB और विद CS के साथ, और मेरे 94% आए हैं। जी। टीचर्स ने कितना मदद पहुंचाई है आपको, क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई करना भी मुश्किल हुआ था, ऑनलाइन सेशन शुरू हो गए थे, तो क्या कुछ जो दिक्कतें थी वो सामने आई थी और किस तरीके से टीचर्स ने आपकी मदद की थी? सर हमारे टीचर्स हमको पर्सनल अटेंशन देते थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी, केमिस्ट्री के सर ले लीजिए, बायो के, फिजिक्स के, हमें जैसे बहुत शुरू में 11th क्लास में, क्योंकि हम 10th से आए थे तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उन्होंने हमें पर्सनल अटेंशन दिया। ऑनलाइन क्लास में जो हमें समझ नहीं आता था हम व्हाट्सएप करके उनसे पूछ लेते थे, तो स्कूल से तो काफ़ी सहायता मिली है हमारी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पर चलती थी। कितना मुश्किल रहा कोरोना काल में इस बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना? सर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हमें हर वो चीज़ नहीं समझ में आती है जो हमें लाइव क्लासेस में समझ में आती है, तो बहुत प्रॉब्लम हुई, जैसे कभी कभार नेट नहीं सही से आ रहा है, किसी दिन बहुत बारिश हो रही है तो पता चला केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत ज़रूरी था लेकिन वो मिस हो गया, लेकिन टीचर्स उसके लिए भी हमको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते थे, तो ऑल थैंक्स टू स्कूल एंड पेरेंट्स की हम यहाँ तक आ पाए हैं। 12th का पेपर क्लियर हो गया है, अच्छे नंबर लाए हैं, अब आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? सर मैं बायो से हूँ तो ऑब्वियसली मैं नीट करना चाहती हूँ, तो इसलिए इस बार मैंने ड्रॉप किया नीट करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो छात्रों के सामने कॉन्फिडेंस है वो निखर कर सामने आ रहा है, और भी छात्राएं हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम गरिमा मित्तल है। मैं जी, कितने अंक आए हैं? मेरे 94.6% आए हैं। स्कूल टीचर्स को किस तरीके से धन्यवाद देंगी कोरोना काल में जो पढ़ाई हुई, चाहे वो ऑनलाइन सेशन हो ऑफलाइन सेशन हो, किस तरीके से धन्यवाद देंगे और कितनी मदद पहुंचाई टीचर्स ने? टीचर्स ने हमारी बहुत मदद की, क्योंकि जब ऑनलाइन के समय में जब सारी सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती हैं, ऑनलाइन टीचिंग हमें ऑफलाइन टीचिंग भी नहीं मिल पाती है, तो उस समय हमारे टीचर्स ही हमारी मदद करते हैं, कभी फ़ोन कॉल से, कभी गूगल मीट की मीटिंग से, तो कभी कभी मोबाइल से हमें हमारे डाउट्स क्लियर करना, हमें जो ना समझ में आ रहा उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके हम सब भेज देना, इन समय टीचर्स का बहुत ही बड़ा रोल रहा जिसकी वजह से हमारे इतने नंबर आ पाए। कितना मुश्किल था कोरोना काल में बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना? काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जब एक तो ऐसा समय है कि हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, उस समय बच्चों को दो दो बोर्ड्स देने पड़े, तो इस समय बच्चों के सामने काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि हमें अपने डाउट्स पूछना, वो भी पहला पैटर्न जो था बोर्ड्स का वो MCQ वाला था, तो फिर MCQ पैटर्न में बच्चे अभी उससे इतने रूबरू नहीं हो पाए थे और हमें पहले समय ही उसको देना पड़ा था, तो उसकी प्रिपरेशन, उस समय कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, वो सारी स्ट्रैटेजीज हमारे टीचर्स ने हमें हेल्प की बताने के लिए। 12th का पेपर क्लियर हो गया है, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आप लोगों की? आगे की मेरी प्लानिंग है कि मैं JEE दूंगी, JEE का अटेम्प्ट दूंगी, क्योंकि इस साल मैं नहीं दे पाई, अब मैं एक साल ड्रॉप करूंगी, क्योंकि मैंने बोर्ड्स की केवल प्रिपरेशन की थी, अब मैं चाहती हूं कि मैं एक साल फुली JEE पे कंसंट्रेट करके पूरी JEE की प्रिपरेशन करूं। चलिए, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भी छात्राएं उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज सोनम सिंह एंड आई एम फ्रॉम स्ट्रीम PCB विद द फिजिकल एजुकेशन। सोनम जी, कितने अंक आए हैं आपके? सर 92.4%।
कितना मुश्किल रहा इन कोरोना काल में पढ़ाई करना, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, नया पूरा कल्चर था, तो कितना मुश्किल रहा है? टीचर्स को किस तरीके से धन्यवाद देंगे, उनका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा था आप लोगों से? सर, सबसे पहले तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि वो लोग हर समय हमारी मदद करते हैं। उनका ये है कि हाँ, जो बच्चा पढ़ रहा है हमसे मदद चाहता है, वो जब भी बोले वो उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। और ऑनलाइन सही बात है कि हाँ, कोरोना की वजह से बहुत सारी हम लोग को कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, लेकिन हाँ, ये स्कूल ऐसा इतना अच्छा स्कूल है कि हाँ, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन की सब चीज़ व्यवस्था थी। अगर हम अच्छे से ना पढ़ पाए तो ये तो बच्चे पे डिपेंड करती है ना, कौन कैसा पढ़ा है। अगर हम अपने पूरे अच्छे से पढ़ रहे तो ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा मुश्किल था करना, लेकिन सब यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव टीचर है हर तरह से। टीचर्स का अभी आपने बताया कि काफ़ी सपोर्टिव है, कैसे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे उन टीचर्स को? मैं टीचर्स को मतलब बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मैं कभी भी पढ़ रही हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं उनसे चाहो तो कांटेक्ट करके पूछ सकती हूँ, या फिर व्हाट्सअप करके पूछ सकती हूँ, या फिर स्कूल में मैं रुक के थोड़ी देर पूछ सकती हूँ। वो लोग मतलब अपना पर्सनली टाइम निकाल के बच्चों को देते, ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए। चलिए, 12th का पेपर क्लियर हो गया, बोर्ड क्लियर हो गया, बाकी की क्या प्लानिंग रहेगी, भविष्य में क्या कुछ करना चाह रही हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि मैं पीसीबीसी हूँ, तो मैं नीट देना चाहती हूँ, तो मैं अब आगे की नीट की तैयारी करूँगी। तो कुल मिलाकर एलपीसी के छात्र हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, और इसी वजह से जो लोग हैं वो बोर्ड का जो पेपर आया था उसमें रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। और भी छात्र हैं, उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तान्या। तान्या जी, कितने अंक आए हैं? 93.2% अंक लाके कैसा लग रहा है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। अच्छा ही लग रहा है जी। कितना सपोर्टिव रही हैं टीचर्स यहाँ की, किस तरीके से क्लासेज हुई हैं? चूंकि कोरोना काल था तो कई बार जो है स्कूल बंद हुए, ऑनलाइन क्लासेज हुई, तो मिसमैनेजमेंट भी कई हद तक हो गया। कैसे धन्यवाद देंगी टीचर्स का, क्या कोऑर्डिनेशन रहा है? टीचर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा था, वो लोग हमेशा ही हम लोग के लिए अवेलेबल थे, हम लोग के लिए हमेशा ही हम लोग उनको कांटेक्ट कर सकते थे, कभी भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते थे हम लोग। ये सब बहुत ही अच्छा था। क्लासेस हमारी हमेशा प्रॉपर चली हैं, और डाउट सेशंस भी बहुत हुए हैं हम लोग के, पढ़ाई बहुत अच्छे से कंडक्ट हुई है कोरोना में भी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो कुल मिलाकर जो टीचर्स का सपोर्टिव नेचर था वो कहीं ना कहीं छात्रों को बेनिफिट पहुंचाया इस बोर्ड एग्जाम में। आपका क्या नाम है भैया? कार्तिक यादव। कार्तिक जी, कितने अंक लाए हैं? 93% अंक लाए हैं, कैसा लग रहा है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँ। अच्छा लग रहा है, मेहनत का फल मिलता है तो अच्छा ही लगता है, बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने कोरोना में। आपके साथ साथ आपके टीचर्स ने भी काफ़ी मेहनत की थी, टीचर्स को कैसे धन्यवाद देंगे? अगर देखा जाए तो कोरोना काल में कई बार स्कूल बंद हुए, फिर स्कूल खुले, ऑनलाइन क्लासेज हुई, ऑफलाइन क्लासेज हुई, मिसमैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक हुआ है, तो कैसे धन्यवाद देंगे टीचर्स को? टीचर्स ने हम लोग की मदद की थी हमेशा, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते पूरे टाइम, हम लोग की मदद की थी, और वीडियोस भेज भेज के, लेक्चर्स भेज भेज के हम लोग को स्टडीज में मतलब हमेशा सपोर्ट किया था। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया था, ऐसे ही जाओ पढ़ो, खुद से पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पूरी मदद की थी टीचर्स ने हमारी। ऑनलाइन क्लासेस जब चली थी तो वो अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल था बच्चों के लिए, कैसे मैनेज किया गया उन सबको? ऑनलाइन क्लासेस जब हुई थी तो वो अडॉप्ट करना मुश्किल था, क्योंकि कल्चर नहीं था ऑनलाइन का, कितनी मुश्किल हुई थी उस समय? जी, मुश्किल हुई थी, तो पहली बार कोई भी चीज़ होती है तो मुश्किल तो होती है, तो हम लोग को यूज़ टू होना पड़ता है, और जिसका पढ़ने का मन है वो तो पढ़ ही लेगा, उसको कैसे भी कोई रोक नहीं सकता। चलिए, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो टीचर्स का सपोर्टिव नेचर है वो कहीं ना कहीं इस बोर्ड एग्ज़ाम में उनके लिए जो है वो सार्थक साबित हुआ है, और आगे आने वाले समय में, भविष्य में इस तरीके के टीचर्स को टीचर्स मिलें, टीचर्स इस तरीके से मेहनत करें, कहीं ना कहीं आगे जो आने वाला समय है वो भी इन छात्रों के लिए बेहतर ही होगा। विजन्स बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, सडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।